अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्लीट लाइफस्टाइल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। पाकिस्तानी शोबीज़ इंडस्ट्री के बहुत से अदाकार और अदाकाराएं ऐसी हैं जिनका ताल्लुक अहले तशी घराने से है और मुहर्रमुल हराम के महीने को करबला में गुजारते हैं। मौजूदा दौर की मशहूर और मारूफ और खूबसूरत अदाकारा यमुना ज़ैदी का ताल्लुक भी अहले तशी घराने से है। यमुना ज़ैदी ने हर बार की तरह इस बार भी मुहर्रमुल हराम का महीना करबला में गुजारा है और काले रंग का अबाया पहने हुए यमुना ज़ैदी करबला में मुख्तलिफ ज़ियारात करती रहीं और करबला में ज़ियारात करते हुए मुख्तलिफ तस्वीर और वीडियोज भी मदाहों के साथ शेयर की। मुकम्मल तफसीलात और यमुना ज़ैदी के मुतालिक दिलचस्प हकायक शेयर करेंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुहर्रमुल हराम इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पहला महीना है और इस महीना में अहले बैत के साथ जो जुल्म की दास्तान रकम की गई उसे रहती दुनिया तक हमेशा याद किया जाएगा। करबला की ये अजीम कुर्बानियां हमें बड़े दर्स देती हैं। ड्रामा सीरियल तेरे बिन से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अदाकारा यमुना ज़ैदी का ताल्लुक भी शिया घराने से है। यमुना ज़ैदी मजालिस में शिरकत भी करती हैं और इस महीना को बेहद अकीदत से गुजारती हैं। यमुना ज़ैदी अपने अकीदे पर सख्ती से अमल पैरा भी करती हैं। यमुना ज़ैदी का शुमार उन अदाकाराओं में किया जाता है कि मुहर्रमुल हराम के महीने को करबला में गुजारती हैं। यमुना ज़ैदी की तरह पाकिस्तानी शोबीज इंडस्ट्री के बहुत से सितारे ऐसे हैं जो कि शिया हैं और मुहर्रमुल हराम का बेहद एहतराम करते हैं, इस महीने को बहुत अकीदत से गुजारते हैं और इसी तरह यमुना ज़ैदी भी अपने शिया होने पर फख्र का इजहार करती हैं और मुहर्रमुल हराम का महीना करबला में रहकर गुजारती हैं। आपको खूबसूरत अदाकारा यमुना ज़ैदी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर दीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।